हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फहद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर एंड्रॉयड के टॉपिक्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैगमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फ्रैगमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है एंड्रॉयड के अंदर फ्रैगमेंट का, कितने तरह के फ्रैगमेंट हो सकते हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकली और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी जानेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और उसके बाद इसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो जो है सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है, जो आप विद ईज क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पर होता है fahadhusaincsblogspot.com पर, जो कि आप fahadhusaincs से सर्च करके भी वहाँ से फ्रीली तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ जब ब्लॉग पर आने के बाद राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ आओगे तो फॉलोवर का बटन है, वहाँ पर अपना ईमेल वैलिड ईमेल ज़रूर रजिस्टर करें ताकि अपकमिंग जब भी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जा रही हो तो आपको बरवक उस हवाले से जानकारी मिले। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली बात करेंगे कि एक्चुअली फ्रैगमेंट क्या है। सो इन एंड्रॉयड फ्रैगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सब एक्टिविटी। देयर कैन बी मोर देन वन एक्टिविटी फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन इन साइड वन एक्टिविटी। तो एंड्रॉयड के अंदर एक्टिविटी का पार्ट है फ्रैगमेंट, जिसको हम सब एक्टिविटी भी कहते हैं, यानी एक्टिविटी का सब पार्ट। आप एक एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट को, यानी एक या एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट को ऐड कर सकते हैं और ये मल्टीपल फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट करती है एक ही एक्टिविटी के अंदर। ऑल्सो एंड्रॉयड फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल इज़ अफेक्टेड बाय द एक्टिविटी लाइफ साइकिल बिकॉज फ्रैगमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो फ्रैगमेंट की है वो अफेक्टेड करती है सिंपल एक्टिविटी लाइफ साइकिल को, क्योंकि फ्रैगमेंट भी हमारी एक्टिविटी में इंक्लूड हुआ हुआ होता है। Each fragment has its own life cycle method that is affected by the activity life cycle because fragments are embedded in activity. तो वो जो separate activity होगी, जितनी सारी आप fragment बना रहे हैं अपने project में, वो तमाम अपने लिए एक separate life cycle रखती है जो कि activity के life cycle पर affected होगी, क्योंकि ये fragment हमारी activity में embed की गई है। अब हम समझते हैं कि एक्टिविटी की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, सब पार्ट है हमारी एक्टिविटी के साथ रिप्रेजेंट होता है और उसकी लाइफ साइकिल एक सिंपल एक्टिविटी लाइफ साइकिल को इफेक्ट करती है क्योंकि ये एक्टिविटी में इंक्लूडेड है। तो इसकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल दिखती किस तरह से और कैसे वर्क करती है? तो जिस तरह से सिंपल एक्टिविटी लाइफ साइकिल थी, जहाँ पर हमने एंड्रॉयड के अंदर डिफरेंट स्टार्टिंग के सेशन पर थ्योरेटिकल बात जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने जाना था कि सिंपल एक्टिविटी है उसके डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं। वो पॉज स्टेट पर जा सकता है, बिहाइंड जा सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओपन हो सकता है, मेमोरी के शॉर्टेज की वजह से वो क्लोज हो सकता है, वो तमाम उसके साइकिल्स में मौजूद थे। बिल्कुल उसी तरह से फ्रैगमेंट में जब स्टार्ट होगा, जब आपका फ्रैगमेंट स्टार्ट होने लगेगा तो उससे प्रीवियसली वो डिफरेंट मेथड्स को हैंडल कर सकता है, जिसमें ऑन इटे अटैच्ड है, क्रिएट है, ऑन क्रिएट व्यू है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड है, ऑन स्टार्ट है, रिज्यूम है, और उसके बाद आपका फ्रैगमेंट एक्टिव स्टेट पर आ जाता है। उसके बाद ऑन रिज्यूम है, ऑन स्टॉप है, डिस्ट्रॉय व्यू है, ऑन डिस्ट्रॉय और डिटैच्ड है। ये वो मेथड्स हैं जो आपके फ्रैगमेंट को, जो कि आपकी एक्टिविटी का पार्ट है, सब पार्ट है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है व्यू में लाने के लिए। लिहाजा इस सेशन के अंदर मैं बेसिक एग्जांपल के साथ दो एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट को ऐड करना और उसे हैंडल करने का तरीका आ जाए, और उसके बाद वाले यानी सेशन पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैगमेंट के अंदर कुछ बिल्टन्स की क्लासेस हैं, जैसे फ्रैगमेंट मैनेजर है, ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उस नेक्स्ट सेशन पर थ्योरेटिकली भी समझेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर और देखते हैं कि हम फ्रैगमेंट कैसे यूज़ करते हैं अपने सिंपल एक्टिविटी के साथ। तो इस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो पे मैंने एक सेपरेट प्रोजेक्ट ऐड करवाया है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर फाद के नाम से, और इसमें एक सेपरेट एक्टिविटी है। वाजिर है कि जब हम एक्टिविटी ऐड करवाते हैं तो ये कॉन्स्टेंट होती है, मैंने इसको लीनियर कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं जिस ईज़ के साथ जिसमें आप काम करना जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फ्रैगमेंट का टैग बनाता हूँ जिसमें मैंने मैच पैरेंट और इसी तरह से मैच पैरेंट किया, और उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग से मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। बेहतर तो ये होगा कि आप इसे सेपरेट आईडी दे दें। तो मैंने इसे एक आईडी दे दी और आईडी में इसका नाम रख दिया मैंने FR1। ठीक है, इसी तरह से जब हमारी पहली एक्टिविटी फ्रैगमेंट के टैग के अंदर बन चुकी है, मैंने इसे कॉपी किया, नीचे आने के बाद पेस्ट किया और इसी तरह सेकंड भी पेस्ट कर दिया। तो तीन फ्रैगमेंट को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ फ्रैगमेंट का टैग बनाया है। वाजिर है यहाँ पर फ्रैगमेंट कॉल किया जा रहा है, फ्रैगमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है।
तीन, तो तीन आईडीज़ मैंने बना दी, ठीक है, FR1, FR2, FR3 स्मॉल में, और इसकी विर्थ और हाइट दे दी। और UI पे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक UI पे फ्रैगमेंट हमें तमाम नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आपको अपने लेआउट की वेट बतानी होगी। तो जब मैं लेआउट वेट यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो आप देखोगे कि वो सेपरेट एरिया कवर करेगा। तो मैंने यहाँ 1 दिया, आप देख रहे हो कि इसने एक सेपरेट एरिया ले लिया। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेकंड पर भी हमने ऐड किया और इसी तरह से हमने थर्ड पर भी ऐड कर दिया। तो जैसे मैंने तीनों पर ऐड किया तो आप देख रहे हो कि हमारी जो UI है उसमें तीनों फ्रैगमेंट बिल्कुल इक्वली डिवाइड हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर अटैच्ड होके एक्टिविटी में दिख रहे हैं। अब बारी आती है कि जिस एक्टिविटी में तुमने तीन फ्रैगमेंट को कॉल किया है वो फ्रैगमेंट बनेंगे कहाँ पर और कैसे। इसके लिए तुम एक्टिविटी वाले ही फोल्डर में आओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, न्यू पर जाओगे, एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ होगा फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रैगमेंट मौजूद हैं, यानी फ्रैगमेंट में व्यू मॉडल बना हुआ है, लिस्ट है, बटन है, लेकिन एज़ यूजुअल हम बिल्कुल किस में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंक से काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ब्लैंक को ऐड करवाया और इसका नाम रख दिया कैपिटल FR1। दोनों में से फैक्ट्री मैथड और इंटरफेस मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऐड करवा दिया। फिर इसी तरह से दोबारा आऊँगा और एक और मैथड एक्टिविटी ऐड करवाऊँगा। तो फ्रैगमेंट ब्लैंक और उसका नाम रखा मैंने FR2 फिनिश, एंड सिमिलरली इट्स गोइंग टू ऐड 3 लास्ट वन। तीनों को शो करवा दिया। तो तीनों एक्टिविटी यहाँ पर फ्रैगमेंट ऐड हो चुकी है। और अगर मैं फ्रैगमेंट का बैकहेंड आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे पास उसी नाम से क्लास होती है जो आप बनाते हो और ये एक्सटेंड होती है फ्रैगमेंट क्लास से। कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, ऑन क्रिएट मैथड पर इन्फ्लेटर को रिटर्न करवाया जाता है और इन्फ्लेटर का हम काम ही इसलिए करते हैं ताकि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के दरमियान वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, क्योंकि फ्रैगमेंट भी क्या है, एक्टिविटी का सब पार्ट है, डेफिनेशन पे भी हमने देखा। अब मैं मेन मैथड में आऊँगा और इस फ्रैगमेंट के अंदर उन फ्रैगमेंट के एड्रेसेस बताऊँगा जो मैंने तीन अलग बनाए हैं लेआउट के अंदर। कैसे कॉल करेंगे उसे, उसके लिए तुम टैग के अंदर आओगे और यहाँ लिखोगे नेम का एट्रीब्यूट। जैसे तुमने नेम लिखा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आपने बनाया FR1 के नाम से, एक 2 के नाम से, 3 के नाम से। मैंने कहा पहले मैं 1 आ जाओ, इसी तरह से कॉपी किया, मैंने सेकंड पर आया, यहाँ पर मैंने कहा 2 और इसी तरह से यहाँ पर 3, तीनों मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब ये आप देख रहे हो कि तीनों के कलर्स वगैरह सेम है, टैग्स भी सेम चेंज नहीं हुए हैं ना। तो तुम FR1 पर आओ, यहाँ पर UI पे आके तुम बटन्स ले सकते हो, जितने चाहे जिस तरह के भी व्यूज़ ले सकते हो। एज सिंपल बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, मैं यही रहने देता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और सबके टैग्स भी चेंज कर देता हूँ मैं। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फहद, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी मीनिंगफुल कलर दे सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसमें तमाम हेक्साडेसिमल नंबर के साथ आउटपुट कलर्स भी मौजूद हैं। तो पहले मैंने यहाँ से कॉपी किया इस हेक्साडेसिमल नंबर को, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कलर आ गए, इन दोनों टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। फ्रैगमेंट 2 पे जाऊँगा टेक्स्ट पर और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इस टेक्स्ट को हटा दूँगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया हुसैन। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैंने कहा कि ये कलर मुझे चाहिए इसके लिए, वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद तीसरे पे गया, तीसरे पे जाने के बाद इसी चीज़ को यहाँ पेस्ट किया मैंने, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने ये ले लिया, इसके लिए कॉपी किया, यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया, सेव। तो तीनों के बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गए, साथ ही साथ मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो फहद हुसैन NCS टेक्स्ट लिख दिया मैंने। तीनों को हमने अपने एक्टिविटी में कॉल कर लिया, वाजिर है कोई बैक हैंड कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी की डेफिनेशन और विथ UI रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम को रन करेंगे, लेट्स सी, एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि तीनों के कलर्स भी चेंज हैं, तीनों पर टेक्स्ट भी चेंज हैं और इस तरह से एक सिंपल एक्टिविटी पर हमारे पास तीन डिफरेंट फ्रैगमेंट डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं और तीनों को फर्दर डिवाइड होने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है। अब आपकी मर्जी है कि जिस फ्रैगमेंट में तुम टेक्स्ट लाना चाहते हो, इमेज व्यू लाना चाहते हो या व्हाटएवर किसी भी कंट्रोलर को दिखाना चाहते हो वो तुम दिखाकर उसके मुताबिक बैकहेंड पर भी काम दिखा सकते हो। तो अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर, जिसमें मैं एक एक्टिविटी के अंदर एक बटन ऐड कराऊँगा और साथ ही साथ एक फ्रैगमेंट।
दोनों पर एक एक बटन लूंगा और दोनों में टोस के जरिए से डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा कि जब मैं एक्टिविटी के बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो वो शो करेगा कि आपने एक्टिविटी के बटन को क्लिक किया है, और जब मैं फ्रैगमेंट को क्लिक करूंगा तो वो फ्रैगमेंट की एक्टिविटी को शो करेगा कि आपने जिस बटन को क्लिक किया वो फ्रैगमेंट का है। लेट्स सी। तो लिहाजा इसके लिए मैं अपने इस प्रोजेक्ट पर जिसमें मैं काम कर रहा था, ये तमाम चीज़ें मैं अपने ब्लॉग पे fahadhussaincsblogspot.com पे दे दूंगा तुम्हें, तुम डायरेक्टली यहाँ से तमाम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फ्रैगमेंट के नीचे जितनी चीज़ें मौजूद हैं मैं उन्हें कमेंट कर देता हूँ एज लाइक दिस। ठीक है भाई, एक फ्रैगमेंट है एक्टिविटी में, इस फ्रैगमेंट के ऊपर मैं एक बटन ले लेता हूँ जो हमारे एक्टिविटी का बटन कहलाएगा। तो बटन रैप कंटेंट, ठीक है, और इस पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया एक्टिविटी बटन। ठीक है, आईडी भी दे देंगे, तो आईडी एक मीनिंगफुल नाम रख देते हैं, एक्ट बटन, और साथ ही साथ मैंने सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज कर दिया। बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर वगैरह आप सब देख सकते हो। अब बारी ये है कि एक बटन आपने यहाँ पर बनाया है, और इसी तरह से इसी बटन को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और एक्टिविटी के बाद फ्रैगमेंट जो था ना हमारा, फ्रैगमेंट वन जिसमें टेक्स्ट व्यू मौजूद है, उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं अपने इस बटन से। सही है भाई, बटन यहाँ पर भी आ गया। मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ क्योंकि मैंने उसको रिप्लेस किया इस वक्त, यही दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी आईडी जो है मैं एक्ट के बजाय FR लिखता हूँ, FRG विच मीन फ्रैगमेंट बटन। ये फ्रैगमेंट का बटन है, ये किसका बटन है भाई, एक्टिविटी का बटन है। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एक्टिविटी के बटन को क्लिक करूँ तो लिखा है कि आपने एक्टिविटी के बटन को क्लिक किया, लिहाजा इसके कोड के लिए मैं अपने एक्टिविटी के मेन एक्टिविटी पे जाऊँगा यानी बैकहेंड कोड पर, और यहाँ पर काम करूँगा। तो सबसे पहले क्लास लेवल मैंने बटन बनाया, इसका नाम रख दिया मैंने एक्ट बटन, वही स्पेलिंग कर दी जो नहीं उसमें आईडी में। फिर एक्ट बटन को कॉल करते हुए फाइंड बाय आईडी करूंगा, मैंने कहा बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.actbutton। फिर एज यू नो कि एक्ट बटन को हम सेट ऑन क्लिक लिसनर के ज़रिए से कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद इसका क्लिक इवेंट बन गया, और इसमें मैं टोस्ट के ज़रिए से मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो गेट एप्लीकेशन कॉमा, और मैंने यहाँ लिख दिया एक्टिविटी बटन क्लिक, दैट्स इट। उसके बाद आप बताएंगे कि आप टोस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं टोस्ट लॉन्ग इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने इसे शो करवा दिया, दैट्स इट। मेथड हमारा शो हो गया और यहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी। अब बारी आती है फ्रैगमेंट पे जो बटन मौजूद है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा। इसके काम के लिए आप फ्रैगमेंट यानी FR1 के बैकहेंड पे जाएंगे, ये रहा FR1, मैंने इसके बैकहेंड पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है कि अब मुझे एक्टिविटी पर क्लिक करने के बजाय यानी एक्टिविटी पर रहते हुए फ्रैगमेंट के बटन पर क्लिक करना है और वहीं पर आउटपुट दिखाना है, लिहाजा इसके लिए हमें एक व्यू की ज़रूरत है। तो क्लास लेवल पर मैं व्यू बनाता हूँ, और मैंने इसका नाम रख दिया व्यू, और उसके बाद हमारे पास बटन है जिसका नाम FRG बटन है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हुई हुई है व्यूज़ के लिए, जो कि डायरेक्टली व्यू रिटर्न हो रही है। तो मैं इस रिटर्न को डायरेक्टली करा दूंगा व्यू के बराबर। उसके बाद हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद बटन को कॉल करेंगे यानी FRG बटन, और इस पर कहूँगा मैं बटन व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी, क्योंकि मैं डायरेक्ट फाइंड बाय आईडी नहीं कर सकता, व्यू के ज़रिए से फाइंड करूंगा। तो आईडी थी r.id.fragmentButton, दैट्स इट। अब फ्रैगमेंट बटन से हम क्या करेंगे, क्लिक इवेंट बनाएंगे। तो मैंने कहा सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और क्लिक इवेंट बन गया। तो जिस तरह यहाँ पर क्लिक इवेंट है जो मेन एक्टिविटी पे ना, वही मैंने टोस्ट मैथड यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि मुझे दोबारा वहाँ पर लिखना ना पड़े, यहाँ पेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ ना एक्टिविटी, इसकी जगह लिख दिया मैंने फ्रैगमेंट बटन क्लिक, और यहाँ पे गेट एप्लीकेशन की जगह लिखूंगा मैं गेट एक्टिविटी। ठीक है, नीचे आओगे तो यहाँ पर एक एरर शो होगा जो कि रिटर्न के लिए है, ठीक है, कि मिसिंग वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो रिटर्न मैं किसको कराऊंगा, व्यू को, जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है इन्फ्लेटर के लिए, जो ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ रिटर्न की जगह मैंने उसको व्यू का नाम दे दिया, उसी चीज़ को मैंने नीचे रिटर्न करा दिया। तो इस तरह से ये चीज़ रेडी हो चुकी है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और व्यू पे आपको दिखाता हूँ दोनों चीज़ों को रन होता हुआ। तो ये चीज़ रिप्लेस हो गई क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया था, और इस वक्त एक एक्टिविटी है और एक फ्रैगमेंट है। तो देख रहे हो आप, एक्टिविटी और फ्रैगमेंट दोनों ही एक कलर के हैं क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने सेम रख दिया है।
अब ये किसी को भी देखकर नहीं लग रहा कि इसमें से फ्रैगमेंट कौन सा है, एक्टिविटी कौन सा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ एक्टिविटी बटन है जिसको मैंने क्लिक किया तो नीचे लिखा रहा है एक्टिविटी बटन क्लिक, जबकि यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया दूसरे वाले पर तो लिखा रहा है फ्रैगमेंट बटन क्लिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही एक्टिविटी पर मल्टीपल फ्रैगमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने मल्टीपल व्यूज़ को उसमें शो करवा सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज़र के लिए क्रिएट करके देख सकता हूँ। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि फ्रैगमेंट क्या है, किस तरह से हम ऐड करवाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, फ्रैगमेंट में बैक हैंड कोड करने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं इस हवाले से आपको बरवक्त जवाब दूँ। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो जो उसके बिल्ट इन क्लासेज हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमें मज़ीद बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि फ्रैगमेंट का क्या किरदार है, क्या इंपॉर्टेंस है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशंस पे। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह से, ताकि अपकमिंग डेज़ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको चीज़ें बर वक्त सीखने को मिल सकें। थैंक यू।